हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मलाई केक, या फिर आप इसे रबड़ी केक भी कह सकते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को भी लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मलाई केक के लिए हम केक बना लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल में छन्नी रखी है, उसमें हम 1 + 1/3 कप मैदा लेंगे, थोड़ा सा चुटकी नमक और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से छान लेंगे और फिर एक स्पैचुला लेंगे और उसे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे। अब हम दूसरा एक बाउल लेंगे, उसमें 3/4 कप दही लेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसमें 1 कप पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 TSP बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और वापस इसे अच्छी तरह से जस्ट थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिश्रण को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही साइड में रख देंगे। आप देख सकते हैं कि ये मिश्रण अब हमें थोड़ा सा फूला फूला सा दिख रहा है। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। हमें ऑयल एक साथ नहीं ऐड करना, हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा ऑयल अब हमने इस मिश्रण में डाल लिया है, इसे अब जस्ट हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी बैचेस में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस मिश्रण को हमें स्लोली स्लोली और धीरे धीरे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस मिश्रण में अब हम 1/3 कप दूध डालेंगे। इस दूध में मैंने थोड़ा सा केसर डाला था, इसीलिए इस दूध का कलर येल्लो दिखाई दे रहा है। दूध में केसर ऐड करने से ना ही हमें कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत पड़ती है और जो कलर और जो टेस्ट भी होता है केसर का, वो भी बहुत बढ़िया लगता है। दूध को भी हमें इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा करते डालते जाना है और इसे कट एंड फोल्ड के मेथड से मिक्स करते रहना है। केक का बैटर अब रेडी है बेक करने के लिए। यहाँ पर मैंने ग्लास की बेकिंग ट्रे ली है, उसे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस बैटर को इस ट्रे में डालेंगे और इसे ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 से 40 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। इस ग्लास की ट्रे को अब हम थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए। और अब हम इसे बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। अब जब तक ये केक बेक हो रहा है तब तक हम रबड़ी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने फुल फैट 800 ml दूध लिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे और इस दूध की अब हमें रबड़ी बनानी है। अब जब तक इस दूध की क्वांटिटी हाफ ना हो जाए तब तक हमें इस दूध को ऐसे ही बॉईल करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये दूध का कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें केसर डाला था और इस दूध की क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है। इस वक्त अब हम इस दूध में 1 कप चीनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो चीनी कम या ज़्यादा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट गैस को ऑन रखेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये रबड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। केक भी अब रेडी है बेक करके। इसे मैंने टेबल पे ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इस केक की हम थोड़ी सी जो साइड्स है वो थोड़ी सी नाइफ लेके लूज़ कर लेंगे और इसके बाद एक फोर्क लेके हम ऐसे इसमें थोड़े से प्रिक करेंगे। अब हम इस केक के ऊपर हमने जो रबड़ी बनाई थी वो अब हम डालते जाएंगे। रबड़ी का टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा गर्म होगा तो भी चल जाएगा। पर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इस केक के ऊपर हमें सारी रबड़ी नहीं डालनी है, हमें 1/2 कप जितनी रबड़ी बचा के रखनी है। इस केक की डिश को अब हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है, इसे हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स येल्लो फूड कलर के भी ऐड करेंगे और इसके स्टिफ पिक जब तक ना बन जाए तब तक इसे व्हिप करना है। अब केक भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस केक के ऊपर हम ये व्हिप की हुई क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसे कोई स्क्रैपर हो तो आप उसे भी इस केक के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर इसे आप प्लेन भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा और इस केक को गार्निश करने के लिए हम ऊपर से चॉप किए हुए पिस्ता भी डाल देंगे। आप चाहे तो कोई भी टाइप के ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद के आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इस केक को फ्रीज में 3 से 4 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। ये केक अब अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा और केसर डालेंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कट कर कर देखते हैं कि हमारा ये मलाई केक कैसे बना है। आप चाहे तो इस मलाई केक को बिना रबड़ी के भी खा सकते हैं। कई लोगों को रबड़ी पसंद नहीं होती है, तो ये केक आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये केक कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है और इसका कलर सैफ्रॉन के वजह से और भी ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अब हमने जो रबड़ी बचा के रखी थी, वो रबड़ी को अब हम धीरे धीरे इस केक के ऊपर पोर करेंगे। अब ये थोड़ी सी रबड़ी तो हमने इस केक के ऊपर डाल दी है, तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर कर देखते हैं कि ये हमारा केक कैसे बना है। वाओ फ्रेंड्स, तो इसका टेस्ट तो एकदम ही यमी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी है। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।